चुके रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और इसकी एक्टिविटीज जो है वो जरा हटके होती हैं, यानी रूटीन से बंदा जरा चेंज आता है, इसलिए इसमें कुछ बदतहजीबियां ऐसी नजर आती हैं जो जिनका जिक्र करना मेरा ख्याल है अभी बहुत जरूरी है। फिर आगे सारा महीना पड़ा हुआ जरा हम लोग फिर एहतियात करेंगे, जरा याद करना है बताना कि अल्लाह माफ करे, हमने भी याद ही करना होता है, हम खुद भी उसमें शामिल होते हैं। सही। ये यार ये सहरी के वक्त सहरी का खाना खाने के बाद जब फजर की नमाज के लिए हम जाते हैं मस्जिद में और फिर अफ्तारी करने के बाद जब हम मस्जिद में मगरब के लिए तशरीफ लेके जाते हैं, इन दोनों नमाजों के दौरान जो नमाजी हजरात होते हैं, वैसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी होती है कुछ बुजुर्गों की, मगर इन नमाजों के दरमियान एहतियात भी हम नहीं करते और हम बहुत जोर जोर से डकार मार रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल, बाज लोगों के लिए शायद मुश्किल होता है डकार कंट्रोल करना, लेकिन कम से कम ये तो किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ये जरूरी तो नहीं कि मैग्निफाई किया जाए उसको। हाँ, मुंह के आगे हाथ रखना, हाथ रखा जा सकता है। लो जी, जो दूसरी बात है ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो भी मस्जिद के हवाले से ही है, वहां पे हम एक बेहतियाती कर जाते हैं अक्सर मस्जिदों में, बल्कि हर मस्जिद में तकरीबन वो अफ्तारी के वक्त सामान आता है, वहां हम बैठ के जब रोजा अफ्तार करते हैं जो लोग मस्जिद के अंदर, उनको चाहिए कि बड़ी मेहरबानी के साथ बहुत एहतियात किया करें कि सफों के ऊपर कोई चीज खाने पीने की ना करें। बिल्कुल, चूंकि उसके बाद जब नमाजी आके उधर सफों पे नमाज पढ़ते हैं, जहां कोई चीज गिरी हो वहां पांव आए या माथा लगे तो उसके साथ चिपक रहा होता है और बहुत बुरा फील हो रहा है। वैसे भी रिस्क का एहतराम करना चाहिए हमें। रमजानुल मुबारक के हवाले से एक और बदतहजीबी देखने में आती है, बल्कि बहुत ज्यादा देखने में आती है, इफ्तार के वक्त जल्द से जल्द घर पहुंचने की जो दौड़ है, यानी उस दौड़ में हम रोजे के तकद्दस को भी पामाल कर देते हैं, एक दूसरे को हम बाकायदा ओवरटेक करते हुए, बाकायदा यूं लगता है जैसे हम धक्कम पेल में शामिल हैं, हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि जिस वजह से मैं जल्द घर पहुंचना चाहता हूं, जो साथ वाला मेरा है, गाड़ी वाला, मोटर बाइक वाला, पैदल साइकिल वाला, वो भी यानी इसी कश्मकश में है ना कि वो भी जल्द घर पहुंचना चाहता है, उसका भी उतना ही हक है, उसकी भी उतनी ख्वाहिश है कि वो भी अपने घर में रोजा इफ्तार करे, उस वक्त अगर हम थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा कर लें तो हम तमाम लोग हम अपने घरों में यानी वक्त पर पहुंच सकते हैं, और अगर ऐसा करना मुश्किल है तो फिर हमें चाहिए कि हम अपनी मंजिल की तरफ जरा थोड़ा सा पहले रवाना हो। अल्लाह आपकी खैर करे, ये जो आप बात आपने किया बिल्कुल ठीक किया आखिर में, चूंकि अफतारी की जल्दी जो है ना, जल्दी करना अफतारी के लिए बंदोबस्त और दौड़ना भागना ये तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, मगर उसमें डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए, बदतहजीबी भी नहीं करनी चाहिए किसी को ओवरटेक करते हुए या खुद जल्दी पहुंचने के चक्कर में दूसरे को बेचारे को पीछे को नहीं धकेलना चाहिए, सबके साथ इज्जत और प्यार के साथ उस वक्त। और अगर आप इफ्तार पर कहीं पहुंचने में लेट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने दूसरे को मौका दिया है कि वो अपने घर में इफ्तार कर ले, तो मेरा ख्याल है कि आपके सवाब में इजाफा हो जाएगा। हाँ, और सवाब हासिल करने की बजाय अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको माफ फरमा दे, हम गुनाह हासिल कर रहे होते हैं, सड़कों के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ रहे होते हैं और गाली गलौज कर रहे होते हैं, जबकि वही ऐसा टाइम होता है जो अल्लाह ताला से दुआ मांगने का टाइम होता है, अस्तगफार करने का टाइम होता है, कबूलियत का वक्त, दुआओं की कबूलियत के टाइम हम लड़ झगड़ रहे हो। अच्छा सर, यही जिस डिसिप्लिन का जिक्र हम ट्रैफिक के ऊपर कर रहे हैं, रोड्स पे कर रहे हैं, उसी चीज का मुजाहरा हमें अक्सर शॉप्स पे, दुकानों में जहाँ पे खाने पीने की अशिया मिलती हैं, वहां पर देखने में आता है। एग्जैक्टली, अगर हम सिर्फ थोड़ा सा थोड़ी सी एहतियात कर लें और क्यू बना लें तो शायद हम पेमेंट भी टाइम पे कर लेंगे, हमें हमारा सामान भी वक्त पे मिल जाएगा और हम अफ्तार भी घर में आराम से बैठ के कर लेंगे, लेकिन वहां पर इतनी धक्कम पेल होती है कि आप पेमेंट भी नहीं कर सकते, काउंटर पर जाकर कोई चीज भी आपको नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे रश हो वहाँ पे फौरन क्यू बना लेना चाहिए, पीएमएल क्यों नहीं, सौदा लेने वाला क्यों, हाँ जी लाइन बना लें प्रॉपर। रमजान मुबारक के हवाले से एक और रवैया देखने में आता है कि हमें तो बहुत रोजा लगता है खुद, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मुलाजिम ने भी तो रोजा रखा हुआ है, जिससे हम गधे की तरह काम लेना चाह रहे हैं उसको भी तो बेचारे को रोजा लगता होगा, ये होता है या नहीं होता? हाँ हाँ, मुलाजिमीन का भी उस वक्त ख्याल करना चाहिए कि अगर इन्होंने भी रोजा रखा हुआ है तो इनको भी सहूलतें दी जाए, और सहूलतों के अलावा जब खास तौर पर सहर और इफ्तार के वक्त
खाना देते हैं उस वक्त अगर आप 11 महीने इस बात का ख्याल नहीं करते तो एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि रमजान के दौरान सहरो अफ्तार के वक्त तो उन्हें वही सहरो अफ्तार मुहैया किया जाए जो हम जिससे हम खुद फैजिया होते हैं। आज जो लोग ऐसे नहीं ना करते उनके पेट में बड़ी दर्द होती है। अच्छा सर, बीइंग अ वुमन मैं एक बदतहजीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। अक्सर ये होता है कि जब खातून खाना सहरी बनाने के लिए जाती है तो वो घर में उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि उसने घर के बाकी अफराद को भी उठाना है सहरी के लिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये अमल वो एक दफ़ा नहीं करती, उसे 3-4 दफ़ा करना पड़ता है एट ए टाइम, जब वो किचन में खाना बना रही होती है, सहरी तैयार कर रही होती है और दूसरी जगह पे भाग भाग के वो जाके बाकी अफराद को उठा रही है। डबल ड्यूटी। एग्जैक्टली। तो मर्दों को थोड़ा एहसास करना चाहिए कि वो कम अज कम पहली आवाज पे उठ जाए या ये ड्यूटी अपने सर ले लें कि उठना भी उन्होंने खुद और बाकी सबको भी उन्होंने उठाया। चलो अच्छा किया आपने डिस्कस कर दिया, वैसे आपने ये नामुमकिन सी चीज डिस्कस की। ये बार बार ही उठाना पड़ता है भाई जी, या फिर तुम्हारी परजाई वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। वो क्या है? दमदमे का एक बाजा है, बहुत जोर से बजता है। वो उसने रखा हुआ कान के करीब, आगे इतनी जोर से वो बाजा बजाती है कि अमान से मैं पुड़क के मंजी से नीचे जा रहा हूं। या अल्लाह, खैर पता नहीं क्या हो गया। गुड आइडिया। लेकिन यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का।